गाइस आप लोग बहुत सारे ऐसे हेलमेट देखे होंगे जो 200, 250, 600, 700, 800 रुपए में मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इनमें से सबसे अच्छा कौन होता है? क्या महंगे वाले सबसे अच्छे होते हैं? क्या महंगे वाले सिर को बचा सकता है? क्या सस्ते वाले अच्छे होते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में सारा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो दरअसल इस एक्सपेरिमेंट को किया क्रेजी एक्स वाई जेड यूट्यूब चैनल वालों ने, तो वीडियो का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो सबसे पहले हम 200 रुपए के जो हेलमेट है उस पर एक हथौड़ा मारते हैं, फिर देखते हैं उसका क्या हालत होता है। वो गाइस यहाँ पर 200 रुपए के जो हेलमेट होता है उस पर एक हथौड़ा पड़ने पर ही ये पूरी तरीके से क्रैक हो गया। आप वीडियोस में देख सकते हैं ये पूरी तरीके से टूट चुका है। अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपका सिर का तो बचना नामुमकिन है। तो चलिए 250 वाला का ट्राई करते हैं, जो कि वो भी सस्ता में मिलता है। तो यहाँ पर 250 रुपए वाला का हेलमेट है, इस पर हम हथौड़े मार के देखते हैं। ये लो, यहाँ पर 250 रुपए वाला हेलमेट भी क्रैक हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 200 रुपए का हेलमेट था वैसे ही इसका भी हाल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से एक ही हथौड़े पर क्रैक हो चुका है। अब आता है 700 रुपए वाला हेलमेट के पारी। तो चलिए देखते हैं क्या ये हथौड़े के वार को सह पाता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम हथौड़े मारते हैं। ओ तो दोस्तों यहाँ पर ये 700 रुपए वाला बहुत काम की चीज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हथौड़ा मारा फिर भी ये ज्यादा क्रैक नहीं हुआ, ये थोड़ा सा ही क्रैक हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा ही क्रैक हुआ है। तो चलिए इस पर और भी हथौड़े मार के देखते हैं कि ये कितने हथौड़े पर टूटता है। तो क्या होगा, वैसे ऐसा कभी होगा नहीं, पर ये लो। तो भाई साहब दूसरी चोट भी लग चुकी, क्रैक बढ़ गया, लेकिन अभी भी जो हेलमेट है दैट इज इन वन पीस। तो ये तीसरा लो। ओ भाई तो देखिए यहाँ पर 700 रुपए का जो हेलमेट है उस पर 6-7 हथौड़े मारने पर भी ये ज्यादा क्रैक नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी सही सलामत है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से बिखरा नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो कि 200 और 250 रुपए से अच्छा है। तो चलिए आप देखते हैं 800 रुपए वाले हेलमेट पर मारकर क्या यह इस हथौड़े का वजन सह पाता है कि नहीं। Here you go. और तो यहाँ पर देखिए जो 800 रुपए का हेलमेट है उस पर जरा सा भी यहाँ पर क्रैक नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा डैमेज हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी क्रैक नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं जो महंगे हेलमेट होते हैं वो बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन होते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ये क्वालिटी के हेलमेट होते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सिर को बचाने के लिए कम से कम 800-900 रुपए वाला हेलमेट का यूज जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो 200-250 रुपए का हेलमेट होता है वो उतना प्रोटेक्शन नहीं देता है। आप जरूर 700-800 रुपए वाले जो हेलमेट होते हैं उसका यूज जरूर कीजिएगा।